हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद खान। बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं स्किन घर बैठे वाइटन कैसे आप कर सकते हैं। गोरी त्वचा आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है घर बैठे, वो भी घर बैठे और घर के चीज़ों से आप अपनी स्किन वाइटन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, घंटे का बटन, उसको दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए और मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको चाहिए रहेगा एक स्पून मिक्स करने के लिए और एक क्वांटिटी के लिए 1 टेबल स्पून। यहाँ है हमारे पास राइस फ्लार, चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल को भिगा के पीस सकते हैं। चावल को भिगा लीजिए, सुखा लीजिए और पीस लीजिए। उसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट है, सेकंड इंग्रेडिएंट ये है चंदन पाउडर। आपको इजीली अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल आपको मिल सकता है और नियर में कोई भी स्टोर में भी आपको हर्बल शॉप के ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। आपको लूज़ में भी मिल सकता है ऐसे और बॉक्स में भी मिल जाएगा ये चंदन पाउडर। सो ये और रोज़ वाटर और मुल्तानी मिट्टी, जी हाँ। और हमें चाहिए 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ मिल्क। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ चंदन पाउडर। इसमें 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर लेंगे। इसका खुशबू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है इसका खुशबू। मुझे ये 100 ग्राम मिला था चंदन पाउडर, 100 ग्राम चंदन पाउडर से 50 रुपीज़ में मिला था। बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा लाइटन करता है आपका स्किन। और 1 टेबल स्पून हम ले लिए राइस फ्लार, देन मुल्तानी मिट्टी ले गया। अब 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ले लेते हैं। देखिए 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी भी ले लिया हम। बस सब सेम क्वांटिटी में आपको लेना है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही इजीली अवेलेबल घर पे रहता है ये। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ रोज़ वाटर। देख लीजिए 1 टेबल स्पून ले लिए। अब 1/2 टेबल स्पून और लेंगे, 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें जो लेंगे हम वो मिल्क। आप बॉयल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट बॉयल रॉ मिल्क। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। अब मिक्स करते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर फेस आप इसका बढ़ा भी सकते क्वांटिटी। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड टाइप भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम। अगर आपको ज़्यादा ये लिक्विड टाइप लग रहा है तो आप इसमें राइस फ्लावर, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी 1/2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं आपके ऊपर। उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहेगी, सॉरी, लिक्विड टाइप भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं। ये देखिए आपका फेस पैक बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब इसे हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। आपको फेस पे अपने अपवर्ड्स में अप्लाई करना है, बहुत ही इजीली ये अप्लाई हो जाएगा। 10 to 15 मिनट आप इसे रख सकते हैं जब तक ये ड्राई नहीं होता। और इससे आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। ये आप ड्राई स्किन में भी लगा सकते हो और आपका स्किन अगर ऑयली है तो भी आप लगा सकते हैं। सब स्किन के लिए ये ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन। और ये आपके पिंपल को कम करने में मदद करेगा, आपको ठंडक भी देगा क्योंकि इसमें चंदन है, मुल्तानी मिट्टी है। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, बहुत ही जल्दी देख सकते हैं आप बन गया, रेडी हो गया। और बहुत ही जल्दी आप इसे अप्लाई करके लगा सकते हैं और आप मुझे फ़र्क बता सकते हैं कमेंट करके आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई और नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए रिव्यू भी लाते रहूँगा और होम रेमेडी भी लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे गुड, बाय।